आ गया। चलो खींचो। कैसे हो सब लोग? आज का व्लॉग हम स्टार्ट कर रहे हैं बाइक के साथ ही, और आज मैं हूँ जाहिद की बाइक में अगेन। जैसे कि मैंने आपको बोला था कि कुछ दिन तक मेरे व्लॉग इसी बाइक में आएंगे, आज का व्लॉग यहीं से हम स्टार्ट कर रहे हैं और अभी पहुँच रहे हैं। ये देखो ट्रैफिक स्टार्ट में जाते ही ट्रैफिक हमें मिल गया हुआ है। जा रहे हैं आज एक मस्ती राइड पे हमारे साथ, और ज्वाइन करने वाले हैं गौरव भाई कुंदर मोटर्स के पास। वहाँ पे गौरव भाई हमारा वेट कर रहे हैं, वहाँ पे अपना बोल रहे थे कि कुछ चेंज व्यू वगैरह कराना है। हम थोड़ी बाइक को खींच रहे हैं इस टाइम पे, और ये देखो .23 पे चढ़ रही है भाई। तो अभी बहुत गलत सीन हो गया हमारे साथ यार, पीछे टायर स्किड कर गया। पता नहीं क्या इशू है इसके टायर को, पता नहीं इसकी ग्रिप तो सारी अच्छी हो रखी हुई है, पता नहीं क्यों उसका टायर स्किड हुआ। वहाँ पे ज़रा मैं चेक करता हूँ इसमें हवा वगैरह कम तो नहीं है। अगर हवा वगैरह कम हुई शायद से वही रीज़न हो सकता है, अगर हवा वगैरह कम होगी तभी स्किड कर सकता है, ऐसे तो नहीं स्किड कर सकता। ये देखो जम्मू तवी का कुछ व्यू, सामने बावे मंदिर और सामने ये व्यू। तो अभी डिसाइड हुआ है, जाहिद भाई बोल रहे हैं कि यहाँ पे कुंदन मोटर साथ में ही है, तो बाइक का एक दो काम कराना है। दैट सबसे पहले तो ये जो वाइज़र है इसको बोल रहा है कि ब्लैक कराना है, और जो बाइक का नाम है बिल्ली, बिल्ली भी लिखवाना है, और इंस्टाग्राम आईडी इसने लिखवानी है। तो चलो वो लिखवाते हैं चल के। बाइक की वाइज़र को रैप करना है, R15 होगा अभी, अभी नहीं हो पाएगा। अरे वाइज़र ब्लैक करवाना है। अच्छा वो कल है। तो अभी सीन क्या हुआ है, जो यहाँ पे रैप वगैरह करते हैं, नाम वगैरह लिखते हैं, वो यहाँ पे है नहीं, बोल रहे कि सुबह करेंगे, अब सुबह कराना पड़ेगा इसको। तो यहाँ पे आ गए अपने भाई गौरव भाई भी आ गए हुए हैं, ये थोड़ा चेन ल्यूब के लिए पूछ रहे हैं, चेन ल्यूब करते हैं एंड देन निकलते हैं यहाँ से। ल्यूब वगैरह हो रहा है 390 को। तो गौरव भाई अपने लगे हुए हैं साथ में इनके टायर घुमाने के लिए, निकल गए हैं अपनी राइड के लिए, और गौरव भाई अपने साथ साथ चल रहे हैं। वही देख रहा हूँ, चलते हैं, चलो चलो चलो। तो यहाँ पे ट्रैफिक बहुत ज़्यादा है, वहाँ से हम कैंसिल कर रहे हैं, आगे से निकलेंगे, जाएंगे डिगा डिसाइड किया वहाँ पे प्लोड़ा में जाएंगे। प्लोड़ा में मैं आज तक गया नहीं हूँ अपनी बाइक लेके, व्लॉग पे व्लॉग भी कोई भी नहीं आया मेरा उस पर, देन वहाँ पर चलते हैं। मुझे इधर के रास्ते का बिल्कुल भी आइडिया नहीं है, रास्ते का पता बिल्कुल नहीं है मुझे, और देखो बच्चे आइडिया नहीं है। गौरव भाई लेके जा रहे हैं अपने पीछे पीछे, गौरव भाई को पूरा रोड वगैरह का पता है यहाँ पे, मेरे को नहीं पता है बिकॉज़ वो इधर ही से हैं, तो इधर इसलिए उनको ज़्यादा पता है इधर के रास्ते का। लोगों के रिएक्शन चेक करो यहाँ पे यार, क्या ही घूर घूर के। लोग डर रहे हैं। भाई 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 गौरव भाई कौन से रास्ते से लेके आ गए यार? यहाँ पे हम आए हैं पुलोड़ा ब्रिज पे, तो फर्स्ट टाइम आया हूँ मैं अपना यहाँ पे शूट वगैरह पे, देन देखते हैं क्या सीन रहता है यहाँ का। जो ट्रैफिक वगैरह है कुछ ज़्यादा ही है यहाँ पे लगा हुआ, और ये देखो भाई रोड तो बड़ा सही लग रहा है, भगा के देखते हैं यहाँ पे बाइक को। तो ये देखो रेस लग गई हम दोनों की, आ जाओ क्या कर रहे हो यार, चलो 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 खींचो। क्या बात है, क्या बात है यार। तो गौरव भाई अपने पूरे फॉर्म में आ गए हैं, और ये बम्प कुछ ज़्यादा है इस रोड पे यार, भाई साहब मज़ा आ रहा है इस ब्रिज पे यार। बस एक प्रॉब्लम है यार, धूप ज़्यादा बहुत ज़्यादा तेज़ हो रखी है इस टाइम पे। ये चेक करो सूरज चचा अपने बिल्कुल अपने सामने हैं, और हमें गर्मी प्रोवाइड कर रहे हैं सूरज चचा अपने। वो देखो बच्चे का रिएक्शन, बच्चे का रिएक्शन देखो। गौरव भाई अभी बोल रहे थे पीछे रुकना था यार, मैं तो आगे आगे चल रहा था, बोल रहे हैं वहाँ पे अपार्टमेंट का जो था वो शेडो आ रहा था, तो वहाँ पे हम रील्स वगैरह शूट करते, बट अब मैं आगे आ गया हूँ, अब रॉन्ग साइड पे वापस जा भी नहीं सकते हैं। लेक रोड बने रहो, वो जो बार बार बनाया ओते दे मिल जेतु जगह से चल रही। हां जी अगर सके अगर रोड होना ही चाहिए, ठीक है, और रोड छोड़ना ही नहीं, वो सीधा पुल आगे जाए लगना था। हम अभी फ्लाईओवर से गए थे, अब हम उसी फ्लाईओवर के नीचे से वापस जा रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे कुछ है नहीं,
इंटरेस्टिंग सा, तो वापस चल रहे हैं यहाँ से। और अभी एक सीन क्या है कि जो मेरा हेलमेट है, हेलमेट का क्या इशू है कि इसकी जो पैडिंग वगैरह है वो थोड़ी सी लूज़ हो गई है, ज़्यादा इतना कुछ नहीं है। ये हेलमेट मैंने न्यू ही लिया हुआ था, तो हुए होंगे इसको आई थिंक 5 महीने भी नहीं हुए होंगे शायद से इस मेरे हेलमेट को। तो ये हेलमेट मैंने अपग्रेड किया हुआ है अब, और तो मैंने एक एग्जॉर का हेलमेट एक ऑर्डर करा हुआ है, वो आ जाएगा आई थिंक कल, तो आज कल आ जाएगा पक्का। 14 को उन्होंने बोला हुआ था, 14 को आ जाएगा, फ्लिपकार्ट से ऑर्डर किया था मैंने। तो इस हेलमेट का सीन क्या है कि थोड़ी सी पैडिंग इसकी लूज़ हो गई है। अगर नॉर्मल मैं हेलमेट लगाता हूँ तो ये ठीक है, जब मैं कैमरा इसके आगे माउंट करता हूँ और जब वगैरह जब भी चलता हूँ तो जो हेलमेट है वो थोड़ा नीचे आने को लगता है, जब नीचे आता है तो मेरी आँखों पर आता है, आँखों में आता है, तो उस चक्कर में क्या होगा कि कहीं मेरा एक्सीडेंट ना हो जाए। तो उस चक्कर में मैंने ना हेलमेट एक ऑर्डर कर लिया, और वो थोड़ा एग्जॉर का थोड़ा अच्छा हेलमेट है जो मैंने अभी डाला हुआ है। ये हेलमेट है वेगा का, 2000 का मिला था मेरे को ये। तो जो मैंने अब हेलमेट ऑर्डर किया वो है 4,500 के करीब, तो अब उसकी डिलीवरी भी कल होगी। तो बड़ा एक्साइटेड हूँ मैं उस हेलमेट को लेकर के, देखते हैं क्या रहेगा उस हेलमेट का सीन। कल तो आ ही जाएगा, देन उसके लिए भी ऐसा ब्लॉग में शूट करूँगा उसके रिलेटेड भी, उसकी अनबॉक्सिंग वगैरह तो दिखाएंगे आपको। तो यहाँ पे गौरव भाई अपने विली मारने लगे हैं। भाई साहब क्या बात है, हाय हाय हाय, क्या बात है, क्या बात है, वंस मोर, ओ भाई साहब क्या बात है, क्या बात है। तो विली टेस्टिंग हो रही है, इसमें मेरी बाइक है नहीं तो मैं विली इसमें मार नहीं सकता। मारी मैंने अभी छोटी सी विली मारी, पर ज़्यादा बड़ी नहीं मारी मैंने इस पर विली। तो अगर मेरी बाइक होती तो मैं अच्छी सी विली दिखा देता। बाकी इधर का लुक चेक करो यार, इधर का व्यू देख कर ना, मतलब कुछ अलग सा ही फील आ रहा है। देखो यहाँ पे ज़रा फ्लाई ओवर साथ में चल रहे हैं, साथ साथ में रोड ऊपर पूरा शेड वगैरह बना हुआ है, क्या ही मस्त सा लग रहा है इधर पे राइड करते हुए। भाई बीच में आ गया, अरे अंकल डर गए, क्या हो गया अंकल, अरे आंटी अबे क्या था ये, ये होता है ओवर एक्टिंग। भाई साहब क्या ही लीन्स वगैरह मार रहे हैं, चेक करो। क्या ही फ्लाई बाय दिया भाई इसको। तो गौरव भाई बोल रहे हैं चलते हैं सिधरा ही, वहीं पे चलते हैं, फिर वहाँ से मैं अपने घर चला जाऊँगा और ये अपने रास्ते चले जाएंगे उधरी से आगे। तो ये देखो अपने सिधरा का ब्रिज, क्या ही मस्त लग रहा है। ठुमके लगाओ ठुमके, चलते हैं आगे अपने सिधरा पे। तो गाइस ली चेक करो हमारा, क्या ही मस्त सा लीन बजा अभी। ये ब्रेकिंग सीधा चलनी है वरना, भाई साहब क्या ही लीन मारा है यार बंदे ने। मजा आ गया कसम से, सिधरा राइड की जो राइड है ना वो अलग ही लेवल पे है भाई। तो आज की राइड हमारी कुछ इतनी ही थी, बाकी गौरव भाई भी हमारे साथ साथ चल रहे हैं। गौरव भाई जाएंगे अपने घर, हम चलेंगे अपने घर, और इसी के साथ हम अपना ब्लॉग को एंड करते हैं एंड मिलते हैं आपको अपने नए सुपर से ब्लॉग में। तब तक ले गुड बाय एंड टेक केयर।